करने जा रहे हैं एक ऐसे नामचीन बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ थे जिनका नाम है रवि खन्ना। जी हाँ, वही रवि खन्ना जो रामपुर बाग में दुर्गावाड़ी के सामने इनका बहुत बड़ा अस्पताल भी है, वेंटिलेटर भी है बच्चों के लिए, बहुत गंभीर सीरियस मरीज बच्चों के पूरे बरेली मंडल से आपके यहाँ इलाज कराने आते हैं। आज मैंने इनसे बात की है कि संक्रमण आखिर कैसे फैलता है, कोई रोग कैसे विस्तार पाता है और उससे कैसे बचा जाए, क्या सावधानियां बरती जाए। डॉक्टर रवि खन्ना ने आपको हाथ धोने के तरीके बहुत कायदे से समझाए हैं। इस खबर में सबसे अहम बात यही है कि हम हाथों को कैसे धोएं, कितनी बार धोएं और कोई भी चीज छूने से पहले क्या सावधानी रखें। क्या आपको पता है कि जब आपके नौनिहाल आपके बच्चे खिलौने से जैसे खिलौने से खेलते हैं उसको मुंह में ले लेते हैं, क्या आपको पता है कि इन खिलौनों से आपके नौनिहाल को कोई बड़ी बीमारी चपेट रही होती है? नहीं तो जानिए डॉक्टर रवि खन्ना के इस व्याख्यान से क्या बोले हैं डॉक्टर रवि खन्ना, गौर से सुनिए उनकी बात। ना साहब, कल बरसात हुई, ओले पड़े, बहुत भयानक मौसम हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, आज फिर गर्म मौसम हो गया। मौसम में ये उतार चढ़ाव क्या वाकई बच्चों के लिए सेहत के नुकसानदायक हो सकता है, क्या प्रिकॉशन दे बताना चाहेंगे? इस समय ना ये जो सडन मौसम की तब्दीलियां आ रही हैं ये बच्चों की सेहत के लिए कतई बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर चल रहा था वो इतना वसंत ऋतु थी, वसंत ऋतु में जो होता है बीमारियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर में बीमारियाँ बढ़ती हैं ना उस तरह से। अब ये जो एकदम ठंडक बढ़ गई तो उसमें कीटाणुओं को पनपने का मौका मिलने लग जाता है, अब वो गर्मी पड़ेगी तो डायरिया के कीटाणु तो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बच्चे का शरीर बड़ा नाजुक होता है, तो ये सडन स्विंग्स आते हैं, कभी एकदम ठंड हो गई कभी एकदम गर्मी हो रही, तो ये बच्चों की जो है जो इम्यून सिस्टम होता है उनका इतना मजबूत नहीं होता है, तो उसमें बच्चों को जो है बार बार बीमारी रहने का डर होता है, खासतौर पर सर्दी जुकाम खांसी वायरल इन्फेक्शन और डायरिया। तो ये प्रॉब्लम्स है, प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं कि बच्चों थोड़ा ढके रखें, बच्चे को बहुत एकदम खुला भी ना कर दें, रात को हल्का कपड़ा पहना के सुनाएं बच्चे को और ताजी हवा कमरे में जरूर आने दें उसके अंदर, जहाँ तक उसे किसी को सर्दी हो खांसी हो जुकाम हो उससे बच्चों को दूर रखें अपने, क्योंकि उसी से बीमारी पकड़ रही है उनको भी लग जाएगी इसमें, ठीक है। अपने हाथों को साबुन से धोएं, जैसे कि बड़े को है भी माँ बाप को होगी तो बच्चे दूर तो नहीं हो सकते, तो क्या कर रहे हैं आपको उनको साबुन से उनको चाहिए अपने हाथों को बार बार धोएं, बच्चे को भी हाथों को धुलवाएं, बच्चों को वो खिलौने दें जिनको रोज साबुन से धोया जा सके, तो कपड़े खिलौने मत दें ऐसे दिन को रोज धो के सुखा के फिर साबुन से फिर बच्चों को खेलने को दिया जा सके, बच्चे ऐसे ऐसे मुंह में लेके चले जाते हैं तो बीमारी वहाँ से उनको लग जाती है। और आजकल वैसे भी जिस तरह कोरोना वायरस की दहशत फैली हुई है, हमें अच्छी आदतें डालें, सैनिटाइजर घर में रखें, बच्चों के हाथों में लगाएं, एक बार हवा हाथ में ठीक से लगा दें, एक बार वो उड़ जाए तो उड़ने के बाद बच्चा मुंह में ले तो बच्चे कुछ नहीं होने वाला इसमें, ठीक है, बच्चों को नुकसान नहीं होना इससे। और अपने मोबाइल पर लगाएं, ये जो मोबाइल है ना ये सबसे बड़ी जड़ है बीमारी, तो इसके ऊपर जो है देखिए मेरे कमरे में सैनिटाइजर रखा है इस तरीके से, एक मिनट के बाद आते हैं तो इसको इस तरीके से मल के लगाएं, सैनिटाइजर से इसको पूरा से इसको अच्छे से क्लीन करके रखें और थोड़ी देर सूखने को छोड़ दें, ये प्रक्रिया कब से कब दिन में 3-4 बार आपको जरूर लगानी चाहिए। और इसको लगाने से मोबाइल खराब नहीं होता, तो डरते ही मोबाइल लगा देंगे मोबाइल कुछ नहीं, मोबाइल खराब होता है इसमें सैनिटाइजर लगाने, लेकिन इसकी पूरी सरफेस है ना सब टच स्क्रीन मोबाइल है, हम लोग छूते हैं इसको बार बार तो ये हमारी मुंह में कीटाणु आ जाते हैं, मुंह में खाया पिया हुआ तो मुंह में अपने को पहुंच जाते हैं और मुंह छू लिया तो यहाँ पे कीटाणु पहुंच जाते हैं, इसलिए आदत डालनी है सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की सफाइयों की। हमारे लिए कमरे में आप इधर दिखाएंगे इमेजली लगा हुआ है, किसी बच्चे को हमने छुआ हमने तुरंत अपने हाथ में ले लिया ऐसा, ताकि उसी समय हाथ के कीटाणु खत्म हो जाए, ये पूरे स्टेप्स होते हैं हाथ में बनने के, ये अच्छे से खूब फल गए, साबुन से हाथ धोएं तो भी स्टेप सही है, 1-2-3-4-5 अंगूठे को अलग से, दूसरे अंगूठे को, उंगली के पोरों को 5 बार, उंगली के पोरों को 5 बार, अपने हाथों को, तो चाहे आप साबुन से हाथ धो रहे हैं चाहे सैनिटाइजर में रहे हैं, ये सारे स्टेप्स पूरे फॉलो करने, जब थोड़ा यूनिक डाल दिया उससे हाथ धोने का कोई मायने नहीं रह जाता, उसमें 2 बूंद सैनिटाइजर टक पाया इससे कुछ मायने नहीं रह जाता, कम से कम 2 बार पंप लगाएं तो उतना आपके हाथ में आता है कि आप बच्चों अपने हाथों को ठीक से साफ कर सकते। डॉक्टर साहब ये वायरल इन्फेक्शन क्या है?
ठीक है, जिस कोरोना की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो वायरल इन्फेक्शन जो नॉर्मल तौर पे होते रहते हैं, जो समय हो रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम जिसको हम सब जानते हैं, कभी कभी फ्लू भी बढ़ जाता है। बहुत से जो इन्फेक्शन होते हैं वायरस के, वो बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है, क्योंकि इम्यूनिटी होती है, धीरे धीरे बॉडी इन्फेक्शन होता है अपने आप ठीक हो जाते हैं। वायरस के खिलाफ कोई दवा भी नहीं होती, इसलिए शरीर को खुद ही लड़के उसको प्रतिरोधी शक्ति से उसको खत्म करना होता है। अब ये जो कोरोना वायरस आया, उसके साथ दिक्कत क्या रही कि ये दूसरे जानवरों से आदमियों के अंदर जंप होकर आ गया, तो पूरी इंसानियत के अंदर इसके खिलाफ अभी कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई प्रतिरोधक शक्ति नहीं है। इसलिए जब वो कीटाणु शरीर के अंदर आते हैं तो बहुत से लोग तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, पहले ये छूने से, क्योंकि ये हवा से नहीं फैलते कीटाणु, हाथ से फैलते हैं, छूने से। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, उसे कहीं यहाँ पे छींक दिया तो पूरी मेज पे आ गया, उसको आपने हाथ लगाया, हाथ अगर आपने क्या किया तो मुँह में हाथ डाल लिया खाने पीने के लिए, या आपने इसको छू लिया यहाँ पे कर लिया, मुँह को नाक को अपने मलना शुरू कर दिया, तो कीटाणु यहाँ पे सब रुक जाएंगे, आप आंखें मलेंगे आपके कॉर्निया के अंदर घुस जाएंगे, आप नाक में उंगली डालेंगे आपके नाक के अंदर घुस जाएंगे। तो आप इसलिए कहते हैं कि अपने हाथों को, चेहरे को नहीं छूना है अपने, आंखों को मलना नहीं है उसके अंदर, तो एक तो ये तरीका हुआ। तो इस तरह से कीटाणु कोरोना में यही रहा कि ये हाथ से फैलते हैं, तो कोई खांस रहा ऐसा तो इतनी जल्दी आपको जाकर जो उसकी राल निकल रही है, तो खांसने से जो कीटाणु बाहर निकाल रहे हैं अपने, जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन कर रहे हैं, वो यदि आपके संपर्क में आएंगे तो आपके हाथों आके फिर आपके में लग जाएंगे, एक बार पेट में चले गए तो फिर पेट के एसिड उनको मार लेता है। इससे बहुत से लोग तो इसमें ठीक भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है, यहाँ पे आके गले में रुकते हैं, गले में अपना पहले जगह बनाते हैं, गले में इन्फेक्शन बनाते हैं, वहाँ से नीचे फेफड़ों में चले जाते हैं, जब फेफड़ों में जाते हैं तब असली कहानी खराब होनी शुरू होती है, जो जो मरण हो रहे हैं, मृत्यु इसलिए कि निमोनियाज बन जाते हैं इसकी वजह से। तो इसको बचाव का तरीका यही है कि हाथों को स्वच्छ रखें, मुँह अपने हाथों हाथ ना लगाएं, कहीं पर जाएं खाना खाने से पहले, छूने से पहले अपने हाथों को साफ करें, साबुन से धोएं, सैनिटाइजर लगाएं अपने हाथों के अंदर, और जितनी सफाई रह सके, संपर्क हाथ ना मिलाएं, हाथ जोड़े उनके, ये छोटे छोटे प्रिकॉशन हमारी संस्कृति में तो चीज़ें पहले से चलती थी, किसी झूठा मत खाओ, हाथ नमस्ते करके मिलो, घर में आते ही पहले अपने साबुन से हाथ पांव धो, ये हमारी एक संस्कृति थी, धीरे धीरे पाश्चात्य की तरफ चलते चले गए, और पाश्चात्य में हम लोग क्या गए, हाथ मिलाना सीख लिया, गले लगना सीख लिया, चुम्मन चाटी करनी उन्होंने सीख ली, खाना शेयर करने लगे, उसको बड़ा अच्छा मैं कि तू भी उस गिलास से पी रहे, मैं गिलास से पी, तो बड़ी दोस्ती मेरी बढ़ रही है। ये सब चीज़ हम जो बड़े गलत चीज़ पाश्चात्य से हमने सीखी, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना है, बैक टू इंडियन संस्कृति।